दस या पंद्रह साल से तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाते पीते रहे, ये पता नहीं हुआ कब से क्या हो गया। जब हमको परेशानी सा दिखी तब हरदोई हमने दिखाया तो उन्होंने बताया यह कैंसर है। मैं कम से कम 25 साल से तंबाकू का इस्तेमाल करता था, गुटखा भी बीच बीच में खाया। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे कुछ तकलीफ हुई तो मैं यहाँ दिखाया तो यहाँ कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसका इलाज करा रहा हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ी या नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि तंबाकू का सेवन 110% बंद करें। तंबाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तंबाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें समय रहते बचाया जा सकता है। आज के परिदृश्य में तंबाकू एक ऐसी समस्या है जिस पर चौतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर जितना गंभीर प्रभाव पड़ता है उतना ही प्रभाव उसके आसपास के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिसमें बच्चे एवं महिलाएं शामिल हैं। तंबाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती हैं, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग तथा कैंसर प्रमुखता से हैं। उक्त को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार द्वारा निम्न लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीति के अनुसार प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा 2003 का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा 2003 का लक्ष्य प्रदेश की सामान्य जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी को तंबाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक करना, प्रदेश में कोटपा 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराना, तंबाकू सेवन करने वालों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने तंबाकू मुक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें हम जनता को जागरूक करेंगे, जिले में जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए हुए हैं ताकि वो प्रोग्राम चलाने में प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकें, ताकि ये प्रोग्राम सुचारू रूप से सभी जिलों में चलाया जा सके। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा 2003 का उक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदेश में प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में दिनांक 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर महानिदेशालय प्रांगण में झंडा रोहण के पश्चात तंबाकू निषेध शपथ दिलाते हुए समस्त उत्तर प्रदेश में तंबाकू से आजादी कार्यक्रम के अंतर्गत येलो लाइन कैंपेन का शुभारंभ हुआ। इस येलो लाइन कैंपेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सराहा है। इस वर्ष हम लोग कम से कम 151 सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों, स्कूलों, विद्यालयों को येलो लाइन कैंपेन के अंतर्गत लाएंगे और वहां उस परिसर के 100 गज के अंदर तंबाकू सेवन पे नियंत्रण की व्यवस्था होगी। वर्तमान में गैच 2 के अनुसार युवा पीढ़ी में धूम्रपान करने के प्रतिशत में घटोतरी के साथ ही साथ धूम्रपान छोड़ने हेतु प्रयास करने वालों का प्रतिशत बढ़ा है। येलो लाइन कैंपेन का उद्देश्य ये है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान एवं सरकारी संस्थान के 100 मीटर के आसपास कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान ना हो। इस इनोवेटिव कैंपेन के तहत सरकार का उद्देश्य यह है कि सारी सरकारी ऑफिसर्स एवं शैक्षणिक परिसर पूर्णतः तंबाकू मुक्त हो। कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू के प्रति युवा पीढ़ी में जागरूकता लाने के लिए 2655 विद्यालय कार्यक्रम किए जा चुके हैं। जनपद स्तर जिला उन्मूलन केंद्रों में 87,826 व्यक्तियों को काउंसलिंग प्रदान की जा चुकी है। जनपद रामपुर एवं अयोध्या को तंबाकू मुक्त जनपद घोषित किया जा चुका है। अन्य 25 जनपद भी इसी ओर अग्रसर है। इस अभियान में हमने 150 प्रतिष्ठान प्रति जनपद तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में लगभग 11,000 प्रतिष्ठानों में तंबाकू मुक्त किए जाने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है और
मुझे उम्मीद है कि जो हम टारगेट लेके चले हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। येलो लाइन कैंपेन के अंतर्गत 13,500 सरकारी शैक्षणिक संस्थान तथा 2,500 सरकारी परिसरों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्ष में प्रत्येक सरकारी संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त परिसर हो तथा इन प्रयासों से प्रदेश में तम्बाकू का उपयोग कम हो, जिससे कि प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।